कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी से हमने बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमारे पास में फाइनाइट सेट है, उनको काउंट करते हैं नंबर्स को, उसको कार्डिनलिटी कहते हैं। आज बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कैसे होती है। उससे पहले से थोड़ा सा पिछली वीडियो का रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि भाई काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। काउंटेबल सेट हम किसको कहेंगे, तो वो फाइनाइट हो या फिर वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब था कि जो सेट है दैट शुड बी सिमिलर टू 1, 2, 3 सम एन। मैं आपको एक नंबर दे सकूं, इतने एलिमेंट्स उसके अंदर है ना, उसके सिमिलर है। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या था कि जो हमारा सेट है उसको काउंटेबल इनफाइनाइट कहेंगे इफ इट इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहां देखिए मैं एन नहीं लिख रहा बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, पर मुझे पता है कि मैं उनको काउंट कर सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहूंगा, कहीं पहुंचूंगा नहीं पर काउंट कर सकता हूं। फिर बात है जिसको काउंटेबल नहीं कह सकते, विच इज नॉट काउंटेबल, वी वर कॉलिंग इट अनकाउंटेबल। ठीक है, इसको बात करें थे हमने। अब इनफाइनाइट सेट जो हमने बात की, थोड़ी सी कार्डिनलिटी की बात करते हैं। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसको हमने काउंटेबल डुअल कह रहे हैं, उसके कार्डिनलिटी जो है, कार्डिनलिटी का सिंबल है ऐसे मोड के अंदर लगाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। और इस सिंबल को बोला क्या जाता है, एल्फ नोट। नोट का मतलब होता है जो जीरो लगी है, और ये जो एन है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, इसको कहते हैं ऐसे करके, ऐसे इसको कहते हैं एल्फ, है ना। तो ये काउंटेबल जो सेट्स होंगे उनकी काउंट, जो इनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा उसकी कार्डिनलिटी को बताएगा। फिर अनकाउंटेबल सेट्स की बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक अनकाउंटेबल सेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। सी इसको पढ़ते कैसे, काउंटिनम। ठीक है, दो हो गए हमारे पास में। अभी और भी जो आगे होंगे उनको भी अलग अलग सिंबल से यूज करेंगे। वो जो अलग तरह के सिंबल है, इस तरह के सिंबल्स को हम कहते हैं ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स इनको कहा जाता है। अब इनमें रिलेशन क्या है, ये देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, टू की पावर एल्फ नोट इक्वल्स टू सी। आया कैसे, हमें पता है कि अगर हमारे पास में कोई एक सेट है एलिमेंट ए, उसकी कार्डिनलिटी एन है, उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, और मैं उसका एक पावर सेट निकाल लू। पावर सेट का मतलब था उसके सारे सबसेट्स को कलेक्ट कर लू, तो उसके कितने पर सबसेट हो सकते हैं, टू की पावर एन। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू की पावर एन। अब हमें पता है कि हमने, हमें क्या रूल पता चला कि आपके पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था उसके आपने सारे सबसेट ले लिए, तो क्या आ जाएगा, उसका एक पावर सेट आ जाएगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी जो है दैट इज एल्फ नॉट, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी टू की पावर एल्फ नॉट। अब ये जो पावर सेट ऑफ एन है, देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट दिस पावर सेट टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। वो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, इसकी हमको जरूरत नहीं है, पर इनके बीच में क्या है, सिमिलरिटी है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो आई कैन से दिस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, दैट इज टू टू द पावर एल्फ नॉट इज इक्वल टू कॉन्टिनम। ठीक है, यहां से हमने ये चीज देखी, देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन एल्फ नॉट एंड सी। अभी बात हमको पता था कि भाई 2 की पावर n दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन n ना, 2 की पावर n करेंगे तो n से तो ग्रेटर आएगा ही, फॉर है ना। अच्छा, अब ऐसे 2 की पावर एल्फ नोट जो है, यानी कि जो c है दैट विल ग्रेटर देन एल्फ नोट, ऐसा होगा ना। तो भी एक एल्फ नोट हुआ मेरे पास, उससे बड़ा मेरे पास में कॉन्टिनम हुआ, क्या इनके बीच में भी कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर है, तो भाई साहब कह रहे हैं कि देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन दिस। ठीक है, अब एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैज कार्डिनलिटी एल्फ नोट। क्या बात करें, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, जो काउंटेबली फाइनाइट होंगे उनके तो हमें एलिमेंट्स पता है कितने, उतनी कार्डिनलिटी होगी। जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है उनके कैसे पता चलेगी, एल्फ नोट, काउंटेबली इनफाइनाइट। नाउ एल्फ नोट इज द ग्रेटेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट। हमने क्या देखा था, काउंटेबल सेट के अंदर कौन से आते हैं, काउंटेबल सेट में मेरे पास आते हैं फाइनाइट, और दूसरे आते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, फिर उसके बाद उससे भी जो बड़े हो जाते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोगों ने नाम दिया था अनकाउंटेबल। ठीक है, इसकी तो हमारे पास एन होगी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अब काउंटेबल इनफाइनाइट की हो जाएगी एल्फ नोट। तो सबसे बड़ी अगर कोई भी काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी, दैट इज एल्फ नोट हमारे पास। उसके बाद में जो आगे अनकाउंटेबल आते जाएंगे, टू की पावर एल्फ नोट होगी, यानी कि कॉन्टिनम होगी, फिर टू की पावर कॉन्टिनम होगी, ऐसे करके हमारे पास फर्दर बड़े बड़े सेट्स आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो है ये
टू की पावर एल नॉट इक्वल टू जीरो कॉन्टी नंबर इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ एनी अनकाउंटेबल सेट। फिर उसके बाद हमारे पास अनकाउंटेबल सेट हो जाएंगे, उसके आगे से शुरू हो जाएंगे। अब यहां से हमको क्या पता चलता है, ये पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में बड़ा यूज होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर लाइन है उस पर कितने पॉइंट्स हैं, द कार्डिनलिटी इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर। उसका मतलब है टू डायमेंशन में जो मेरे पास प्लेन आता है उसकी कार्डिनलिटी भी इतनी ही होती है, और इतना ही नहीं जो आर थ्री है यानी कि थ्री डायमेंशन में जो स्पेस आता है उसकी भी कार्डिनलिटी इतनी है, और जितने भी एन टपल्स हैं, एन टपल्स मतलब आर की पावर एन पेयर्स बनते हैं जो उनके, सबकी कार्डिनलिटी हमारे पास सेम रहेगी। कितनी आसान सी बात है, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास में सबसे पहले आ रहा है फाइनाइट सेट, इनकी कार्डिनलिटी या तो वन होगी, जीरो से शुरू होगा ना, एमपीटी सेट होता है वो भी फाइनाइट में, हम लोगों ने काउंट किया था ना, या तो कार्डिनलिटी वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, चलती रहेगी एन तक, ठीक है। फिर हमारे पास में आ जाएंगे जो फाइनाइट नहीं है, जहां पर हमारे पास फिक्स नंबर नहीं है लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं, इनकी कार्डिनलिटी हो जाएगी अल्प नोड, जो भी हमने पढ़ा। उसके बाद और आगे जब हम चले गए कि भाई काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे हैं मींस अनकाउंटेबल, तो उसकी कार्डिनलिटी शुरू होती है टू की पावर एल्प नोट से, या फिर उसको उसको हम सी कॉन्टिनम कहते हैं, और उससे बड़े क्या हो उसका भी आप कॉन्टिनम कर दीजिए, उसके कॉन्टिनम का भी और कॉन्टिनम कर दीजिए, और पावर सेट बनाते जाइए, और बड़े बड़े अनकाउंटेबल सेट्स आते जाएंगे। तो अब देखो मजे की बात क्या है, ऑल दीज आर इनफाइनाइट्स है ना, लेकिन कुछ काउंटेबल इनफाइनाइट्स है, कुछ अनकाउंटेबल इनफाइनाइट्स है। सो ऑल इनफाइनाइट्स आर नॉट इक्वल, सम इनफाइनाइट्स आर लेस देन अदर इनफाइनाइट्स, काउंटेबल इनफाइनाइट्स आर लेस देन अनकाउंटेबल इनफाइनाइट्स। कितनी अच्छी बात है, आगे चलिए। अब इनके बीच में थोड़ा सा कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 को हम लोग ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इनका देखते हैं कि कार्डिनल नंबर्स जो है, कार्डिनल नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट सेट जो है, इनका कैसे अर्थमेटिक होता है। पहली बात, जो n है फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द एल्प नोड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की, इट विल बी लेस देन द कॉन्टिनम यानी कि अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी से छोटी होगी, और फिर उससे भी बड़ी बड़ी कार्डिनलिटीज हमारे पास आती रहेंगी, और इनके बीच में कोई भी हमारे पास लाई नहीं करेगा कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर, और इसको कहा जाता है कॉन्टिनम हाइपोथेसिस, ठीक है। अब अगर आप काउंटेबल सेट्स को ऐड करते हैं बहुत सारे, कितने n टाइम्स यानी कि फाइनाइट टाइम्स, ये सब पॉइंट्स क्वेश्चंस में यूज होंगे है ना, तो इनको ध्यान रखिएगा। आपके पास अगर सारे हम काउंटेबल सेट्स को ऐड कर रहे हैं n टाइम्स फाइनाइट टाइम्स, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी काउंटेबल। सो आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट एज फाइनाइट सम ऑफ काउंटेबल सेट इज इक्वल्स टू काउंटेबल, ठीक हो गई बात। क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे कि दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स, फोर ऑप्शंस हैं आपके पास, विच ऑफ दीज इज काउंटेबल। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हमको पता होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कन्वर्ट्स टू काउंटेबल, कौन सी प्रॉपर्टी कन्वर्ट्स टू अनकाउंटेबल, दैट इज वेरी हेल्पफुल है ना। अब यहां पर देख लिया आपने कुछ फाइनाइट चीजें ऐड की किसके अंदर, काउंटेबल के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास अगेन से काउंटेबल आएगा। कंसेप्ट बिठा लीजिए, फाइनाइट का मतलब था मेरे पास मैंने फाइव एप्पल्स रखे मेरे पास में, और फाइव एप्पल्स को मैंने जो है ऐड कर दिया काउंटेबल चीजों के अंदर, कुछ बहुत सारी चीजें जिनको मैं काउंट कर सकता हूं पर एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है ना, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मैंने इसको ऐड कर दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो क्या आएगा, फाइनाइट तो नहीं आएगा, अनकाउंटेबल भी नहीं आएगा, फाइव ही तो ऐड किए, काउंटेबल आएगा। ऐसे आपके पास एक काउंटेबल चीज थी उसको आपने अनकाउंटेबल में ऐड कर दिया, यानी कि आपके पास कुछ काउंटेबल नेचुरल नंबर्स थे उनको आपने रियल नंबर्स में ऐड कर दिया, तो जो आपके पास नई चीज आएगी वो फाइनाइट होगी नहीं, काउंटेबल होगी नहीं, वो अनकाउंटेबल होगी, ऐसे करके याद रखिए तो आसान रहेगा। अब आपने फाइनाइट अनकाउंटेबल सीसी कॉन्टिनम को ऐड किया ना, तो फाइनाइट अनकाउंटेबल फाइनाइट सम ऑफ अनकाउंटेबल इज इक्वल्स टू अनकाउंटेबल। अगर आप सारे सीरियसली कोर्स पूरा देख रहे हैं तो नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहे हैं ना, पीडीएफ में डाल देता हूं, पर आपके हैंड रिटन नोट्स आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, दूसरे के नोट्स पढ़कर उतना समझ में नहीं आता जितना खुद के बनाए हुए नोट्स आता है। अब यहां पर एक फाइनाइट नंबर लिया उसको हमने मल्टीप्लाई किया काउंटेबल सेट से, ठीक है, कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई किया, आपके पास अगेन जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी काउंटेबल, ठीक है। यहां पर क्या करें, अनकाउंटेबल है बहुत सारे उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो obviously क्या आएगा, अनकाउंटेबल, बहुत सारी रेत की मुट्ठी है मैंने ली, अनकाउंटेबल मींस आई जस्ट
थॉट के, जैसे रेत लिया मैंने हाथ में बहुत सारा, मैं काउंट नहीं कर सकता ना कितने पार्टिकल हैं, मैंने उनको बहुत सारों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एट द एंड क्या आएगा, अनकाउंटेबल ही चीज ना आएगी। ऐसे मैंने फिर क्या किया, मैंने काउंटेबल लिया और उसको अनकाउंटेबल से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आएगा, अनकाउंटेबल है। जहां अनकाउंटेबल आया मतलब काउंट नहीं कर सकते बिल्कुल, एकदम यूनिवर्स के स्टार्स वाला आप कंपैरिजन लीजिए, वो सब कुछ को अपने जैसा अनकाउंटेबल ही बना देगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि यहां पर चीजें बदल जाएंगी। आपने क्या किया, काउंटेबल सेट्स को आपने मल्टीप्लाई किया कितनी बार, ये इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल इनफाइनाइट टाइम्स। यहां पर हमने कितनी बार किया था, फाइनाइट टाइम्स, ये देखिए यहां पर हमने किया था फाइनाइट टाइम्स किया था, और अब हम कर रहे हैं काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स। सो काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स जब करेंगे तो इट बिकम्स अनकाउंटेबल टू की पावर एल्फ नोट, क्या बताया था हमने, यहां से क्या मामला शुरू हो जाता है, अनकाउंटेबल शुरू हो जाता है ना। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम कैसे याद रखेंगे, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल, ये अच्छी प्रॉपर्टी यूज होती है बहुत बार, इसको नोट्स में प्लीज आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम काउंटेबल की पावर अनकाउंटेबल कर रहे हैं, मैंने कहा जहां अनकाउंटेबल आएगा वो तो सब कुछ अनकाउंटेबल कर ही देगा, तो अगेन यू विल गेट अनकाउंटेबल थिंग। अब यहां पर आपके पास अनकाउंटेबल चीजें थी, उसमें से आपने काउंटेबल माइनस कर दिया, यानी कि आपके पास मैंने रेत लिया अगेन मुट्ठी में, अनकाउंटेबल का मतलब मैं रेत लेता हूं ना, ऐसे कोई एकदम डायरेक्ट एग्जांपल है, एनालॉजी है, उसके हम से समझ सकते हैं, उसमें से मैं एक एक करके पार्टिकल निकाल रहा हूं, निकाल रहा हूं, निकाल रहा हूं, काउंटेबल है मतलब जब तक चाहे निकाल सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कितने पार्टिकल निकालेंगे, एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, फिर से बहुत सारा रेत बच ही जाएगा ना, कब तक निकालते रहेंगे एक एक पार्टिकल करके, तो द रिजल्ट विल अगेन बी अनकाउंटेबल, है ना। सो व्हाट इज द थिंग, अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल इज इक्वल्स टू अगेन अनकाउंटेबल। अब यहां पर मजे की बात यह है कि जो हम अनकाउंटेबल में से काउंटेबल माइनस कर रहे हैं, अनकाउंटेबल आ रहा है, एवरीथिंग इज इनफाइनाइट। हम लोगों ने ये चीजें देखे पढ़ी होंगी, हम लोगों ने चीज पढ़ी है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट इज ऑल्सो क्लासिफाइड, है ना, कि अगर आपके पास अनकाउंटेबल है उसमें से आपने काउंटेबल इनफाइनाइट्स माइनस कर दिए तो आपके पास अनकाउंटेबल इनफाइनाइट्स बनेंगे। एक्चुअली यहां पर जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना एल्फ नोट सी, आई एम टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट्स, लेकिन अब हम इनफाइनाइट की डेप्थ में जा रहे हैं, छोटा इनफाइनाइट, बड़ा इनफाइनाइट, और बड़ा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो नया इनफाइनाइट आएगा, वो छोटा इनफाइनाइट होगा कि बड़ा इनफाइनाइट होगा, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत फिलोसफिकल और अच्छा कंसेप्ट है। अब हमको CSIR के पर्पज से पढ़ना है, एग्जाम के पर्पज से पढ़ना, एक अंदर इट इज अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट, इसमें एक या दो क्वेश्चन परमानेंट आते हैं। अभी हम इन वीडियोस के एंड में आपको लिंक में प्लेलिस्ट में मिलेगा, PYQ करेंगे, तो लगभग 8 या 10 PYQ आए हैं पिछले 8-10 साल में ना, एक दो हर साल आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना रखते हैं, आप लोगों को जो PDF है क्लासरूम में मिल जाएगी, एनालिसिस की प्लेलिस्ट है कंप्लीट, वहां देख लीजिएगा। डिस्कशन के लिए टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नए वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा।